तो प्रीतम सिंह को आपने सुना, हरीश रावत खेमा क्या कह रहा है, मोहित राज दुबे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मोहित बताइए। जी इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी खास बातचीत के लिए मौजूद है। सबसे पहले उनका हम रुख कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड में समीकरण किस रूप में किस तरीके से चल रहा है। रावत साहब आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पे। सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगा कि आखिर क्या चल रहा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल हमारे विधायक दल की बैठक हुई थी, अपने नेता श्रीमती इंदिरा हृदय जी को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया है, कहा है कि पार्टी हाईकमान जिसको भी अध्यक्ष नामित कर देगा हम सब खुशी से उनका स्वागत करेंगे, और वो प्रस्ताव जो है हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी को सौंप दिया गया है, और मैं समझता हूँ कोई निर्णय पार्टी के स्तर पर होने जा रहा होगा। बहुत सारे नाम चल रहे हैं सीएलपी को लेकर कि प्रीतम सिंह को सीएलपी बनाया जा सकता है या किसी दूसरे नेता को बनाया जा सकता है, कौन है? क्योंकि इंदिरा हृदय से एक नाम था, आप भी कहते थे कि एक कमांडर थी, तो उनका स्थान कौन ले सकता है एज ए सीएलपी? देखिए हमारे पास योग्य लोगों की कमी नहीं है, क्षमतावान लोगों की कमी नहीं है, और मैं समझता हूँ उन्हीं में से एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षमतावान सीनियर नेतागणों में से एक को ये दायित्व मिलेगा। वो क्षमतावान नेता कौन हो सकता है, कोई आप सुझाव? हमारे पास हर पीढ़ी के नेता है और सब में ये कैपेबिलिटी है, उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पर अपनी योग्यता को सिद्ध किया। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि उत्तराखंड की सियासत को लेकर बड़ा आप सक्रिय भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लगातार आपने काम किया है, आखिर वो कौन सा फैसला होना चाहिए पार्टी आला कमान का जो आपके हित में हो और आप अच्छे से जाके जो है चुनाव लड़ पाएं एज ए अध्यक्ष एज ए सीएलपी? देखिए देवेंद्र जी मंथन करने में लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड के लिए उस मंथन से अमृत निकले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरीश रावत साहब हमसे खास बातचीत कर रहे थे, उनका साफ ये कहना है कि देवेंद्र रावत जी वहाँ के प्रभारी हैं, वो फैसला लेंगे कि आगे उनको करना क्या है। ये रेजुलेशन एक पास किया गया है, एक प्रस्ताव पास किया गया है, सोनिया गांधी को भेज दिया गया, अब सोनिया गांधी को तय करना है कि सीएलपी यानी विधायक दल का नेता उत्तराखंड के भीतर कौन होगा। जी मोहित, आपने प्रीतम सिंह से पूछा पेच कहाँ फंसा हुआ है, यही जवाब आप दीजिए, दरअसल कि ये पेच कहाँ फंसा हुआ है, क्या धर्म संकट है और क्यों एक फैसला लेने में आला कमान को इतना वक्त लग रहा है, मीटिंग के बाद मीटिंग हो रही है? देखिए पेच जो है निश्चित तौर पे 10 विधायक हैं इंदिरा हृदय के जाने के बाद, और उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है क्योंकि ब्राह्मण नेत्री थी और ब्राह्मण ही सीएलपी बनाया जाना था, लिहाजा उसमें पेच ये फंसा हुआ है कि हर खासतौर पे हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच लगातार ये बात सामने आती रही कि अलग अलग गुट हैं, लेकिन दोनों ही नेता खारिज करते रहे कि हम संगठन में को मजबूत करने को लेकर काम कर रहे हैं, कोई खेमा वहाँ पर है नहीं, लिहाजा बैठक हुई और उस बैठक में खासतौर पर आपको भी बता दें कि हरीश रावत के सी वेणुगोपाल प्रभारी और अध्यक्ष की अलग से बैठक हुई, के सी वेणुगोपाल प्रभारी महासचिव हैं और उस बैठक में ये फैसला किया गया कि अब विधायकों के सामने कौन सा एजेंडा किस रूप में उनसे बात करनी है, उसके बाद विधायकों के साथ बातचीत हुई, विधायकों ने कहा कि आप एक लाइन का रेजुलेशन पारित कर दीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब ये तय करेंगे कि कौन होगा, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से खबरों का बाजार गर्म है कि प्रीतम सिंह को सीएलपी बनाया जा सकता है, अध्यक्ष किसी और को बनाया जा सकता है, लेकिन देखिए उत्तराखंड की सियासत में जातिगत जो समीकरण है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा जरूरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो जातिगत समीकरण आपने सेट नहीं किया तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त प्रीतम सिंह ठाकुर हैं और दूसरे जो खासतौर पर सीएलपी वो ब्राह्मण थे, तो ऐसे में आपको किसी ब्राह्मण को लाना होगा, लेकिन 10 विधायक में से कोई ब्राह्मण नहीं है, तो ऐसे में अध्यक्ष आपको या तो ब्राह्मण रखना पड़ेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को इतर जो संतुलन बनाने का काम है खासतौर पर वो कांग्रेस आला कमान को है, प्रभारी को है, अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या प्रीतम सिंह अध्यक्ष बने रहेंगे या उनको सीएलपी बनाया जाएगा या जो है वो अध्यक्ष बने रहेंगे या सीएलपी के नाम पे कौन होगा, कंपेन कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त उत्तराखंड के भीतर बचा नहीं हुआ और ऐसे में पार्टी को फूक फूक के कदम रखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक जो बिछा था वो बिछानी अपनी शुरू कर दी है। जी